हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमें तमाम डिटेल्स बताते हुए, सुमित अवस्थी ने भी जैसा कि आपने पूरी चर्चा में सुना कि किस तरह से टीवी एंकर्स को और रिपोर्टर्स को धमकी दी जा रही है। तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मीडिया को आप धमकी दे रहे हैं, और ये समझना होगा कि मीडिया जो है वो हर जो भी व्यक्ति गैर जिम्मेदारी दिखा रहा है उसकी खबर आप तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। विकास भदौरिया, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रामलला को ले जाया जा रहा था, उनकी टेम्परेरी शिफ्टिंग की जा रही थी, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ था और एबीपी न्यूज ने वो खबर सबसे पहले दिखाई थी। तो तबलीगी जमात के लोगों की खबर अगर हमने पहुंचाई अपने दर्शकों तक, तो इतनी क्या बड़ी परेशानी हो गई कि आप इस तरह से धमकी देने लगे? ये देखिए, हमने सिर्फ खबर पहुंचाई। हमारा मकसद था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, हमारा मकसद था कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करके संक्रमण ना फैले, और अगर कहीं संक्रमण फैला है तो हम उसकी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। अब उसके दायरे में अगर तबलीगी जमात के लोग आ रहे हैं तो ऐसे मामले को धार्मिक चश्मा पहनाया क्यों जा रहा है, ये हमारा सवाल है। और सुमित बेहतर बता पाएंगे। सुमित, कितने वीडियो हमने देखे पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, जिसमें आपका नाम लेकर भी, हमारे चैनल्स का नाम लेकर हमारे एंकर्स और रिपोर्टर को धमकाया जा रहा है। ये देखिए, धमकियां तो मिलती रही और आगे भी मिलती रहेंगी। हमारा काम रुकवाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये तो पुलिस वाले हैं नहीं, वर्दी वाले हैं नहीं, तो इनको धमका दो, इनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन हमको एनबीए की यहाँ तारीफ करनी चाहिए। शोभना, जो बात आप अंडरलाइन करना चाह रही थी कि 77 चैनलों का संगठन है एनबीए, और इसके अंदर करीब 27 मेंबर्स हैं, और हर चैनल का व्यक्ति इस वक्त कोरोना पर रिपोर्ट कर रहा है। एकमात्र दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, कुछ और खबर कहीं देखने को मिलता नहीं है जी। इस परिस्थिति में जब तबलीगी जमात की वजह से हिंदुस्तान में संक्रमण फैल रहा हो, तो क्यों नहीं एंकर तबलीगी जमात के खिलाफ बात करेंगे? हमने ये भी कहा, हमारे ही चैनल ने कहा कि तबलीगी जमात विकास के एंकरिंग की, मुझे अच्छे से याद है कि ये मुसलमानों की गाय है, इस संस्था को मुसलमानों की गाय इतनी सीधी संस्था मानी जाती है। लेकिन अगर एक गाय जैसी संस्था, अगर वहां पर बैठा एक शख्स जो खलनायक का काम कर रहा है, जो भड़का रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ, हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन वो वहाँ उल्टी बातें कह रहा है और खुद क्वारंटाइन में चला गया, ये आलम है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम तो सॉफ्ट टारगेट हैं, क्योंकि हम तो कोई पुलिस और फोर्स से हैं नहीं, तो सबसे आसान है हमें धमका देना, जबकि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हर खबर अपने दर्शकों तक एबीपी न्यूज के सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।